आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। अब बात करते हैं चीनी को लेकर। तो चीनी निर्यात अक्टूबर से अप्रैल के बीच काफी अच्छा रहा है। वहीं इस्मा यानी कि इंडियन सुगर मिल्स एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक इसमें 64% का उछाल आया है। इससे चीनी निर्यात बढ़कर 71 लाख टन हो गया है। वहीं इस्मा ने कहा है कि इससे बीते साल में इस अवधि में 43.19 लाख टन चीनी का निर्यात हुआ था। वहीं इस्मा ने बयान में कहा है कि पोर्ट या मार्केट से मिली जानकारी के मुताबिक बता रहे 80 लाख टन से ज़्यादा चीनी के कॉन्ट्रैक्ट अब तक मिल चुके हैं। इसमें से 71 लाख टन चीनी अप्रैल 2022 तक बाहर भेजी जा चुकी है। वहीं इस्मा ने बयान में कहा है कि अभी 8 से 10 लाख टन चीनी बाहर भेजी जानी भी बाकी है। वहीं इसी महीने इसे बाहर भेजा जा रहा है। वहीं मार्केटिंग ईयर 2021-22 में 90 लाख टन चीनी निर्यात होने की उम्मीद है। इससे पिछले साल ये आंकड़ा बता दें 71.91 लाख टन का था। वहीं चीनी का उत्पादन 15 मई तक 14% बढ़कर ये 348.83 लाख टन पर पहुंच गया है। वहीं अक्टूबर 2021 से शुरू मौजूदा मार्केटिंग ईयर में गन्ने का उत्पादन बढ़ा है। वहीं इस्मा के मुताबिक चीनी का उत्पादन एक साल पहले 304.77 लाख टन रहा था। चीनी का मार्केटिंग ईयर अक्टूबर से सितंबर के बीच चलता है। वहीं एथेनॉल में बदले बिना शुगर का कुल उत्पादन बढ़कर ये बता दे 58.07 लाख टन हो गया है। हालांकि एथेनॉल के उत्पादन को लेने के बाद वास्तविक चीनी उत्पादन 44.06 लाख टन हुआ है। वहीं अप्रैल में कुल सेल 23.91 लाख टन अनुमानित है। वहीं बयान में कहा गया है कि मौजूदा सीजन में अप्रैल 2022 तक कुल बिक्री 160.05 लाख टन अनुमानित है, जो इससे पहले के साल में 152.61 लाख टन रही थी। तो ये थी बात चीनी को लेकर। तो आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अहम खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।